बॉलीवुड और हॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने इस किताब में बचपन से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्सों को शेयर किया है। इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया है कि उन्होंने जब एक बार अपने सहयोगी अभिनेता जितनी फीस लेने के लिए अनुरोध किया तो उन्हें फिल्म सेट छोड़ने के लिए कह दिया गया था। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में द काउच पॉडकास्ट के स्किम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सह कलाकारों की फीस को लेकर विस्तार में बात की। पीसी ने कहा, अभिनेत्रियों को जो फीस दी जाती है वो सिर्फ नाम मात्र की थी। ऐसी कई दूसरी लड़कियां हैं जो इस अवसर को ले लेती हैं। आप जानते ही हैं कि फिल्मों में महिलाएं सिर्फ एक विनिमय है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, मुझे सिस्टम के भीतर काम करना था, क्योंकि हम जानते थे कि अगर आप ये नौकरी चाहते हैं तो ये एकमात्र तरीका है। प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, मुझे उस जगह पर पहुंचने में लगभग 15 साल लग गए। मैं अपनी जमीन खुद खड़ी कर सकती थी। मैंने दूसरी महिलाओं की एक साथ आवाज सुनी, जिससे मुझे खुद के लिए खड़े होने का आत्मविश्वास मिला। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने किताब में बताया कि उन्होंने किस कलाकार से इंसानियत का असली मतलब सीखा है। ये बात प्रियंका चोपड़ा के बहुत कम फैंस को पता होगी कि उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साउथ सिनेमा की फिल्म थमिजन से की थी। इस फिल्म में सुपरस्टार थलापति विजय मुख्य भूमिका में थे। प्रियंका चोपड़ा ने अब अपनी किताब में थलापति विजय के लिए लिखा है कि उन्होंने उनसे इंसानियत का असली मतलब सीखा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में लिखा है, विजय की विनम्रता और फैंस के साथ उनकी उदारता ने मुझ पर एक स्थायी और खास छाप छोड़ी थी।